तो अब राजधानी भोपाल से आपको एक खबर बताते हैं, जहां हर्षोल्लास के साथ अब मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। जी हां, शैक्षणिक संस्थानों में भी अब जन्माष्टमी का पर्व देखने को मिलेगा। प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में ये पर्व उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये आदेश जारी कर दिया गया है। तो भोपाल से एक खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें देश भर में तो जन्माष्टमी की धूम देखने को मिलती ही है, अब स्कूल और कॉलेजों में भी इस पर्व का जो उत्साह है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन की ओर से ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पर स्टूडेंट्स के साथ इस पर्व को बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाना है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुकी है अंजलि। अंजलि, जिस तरीके से जन्माष्टमी का त्योहार है बेहद हर्षोल्लास के साथ देश भर में हर मंदिरों में तो मनाया ही जाता है, लेकिन अब निर्देश है सामान्य प्रशासन की ओर से जारी कर दिए गए हैं कि राजधानी भोपाल के हर स्कूल और कॉलेजेस में भी ये त्योहार मनाया जाएगा। क्या कुछ पूरी डिटेल देखिए, 26 तारीख को सोमवार को जो है जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में तो मनाया ही जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है उन्होंने निर्देश दिए कि इस बार जो है स्कूल संस्थान जो शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें अगर बात करें सरकारी या प्राइवेट स्कूल हो या फिर कॉलेजेस हो, उनमें भी इस बार बड़े ही धूमधाम से जो है जन्माष्टमी का उत्सव वो मनाया जाएगा। तो इसको लेकर बताया था जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने जो है एक आदेश जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इन सभी जगहों पर जो है बहुत अच्छे से जो है जन्माष्टमी का त्यौहार बनाया जाएगा। इसमें जो है जो विद्वान रहेंगे वो उनसे जुड़े किस्से जो है वो प्रसंग है उनकी व्याख्यान करेंगे, जो बच्चों हैं उनके द्वारा जो है कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जाएगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो स्कूलों में है और जो कॉलेजेस में जो है इस बार जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है। इसके अलावा जो आदेश जारी किया गया है तो उसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी मंदिर हैं या फिर संस्थान है वहां पर साफ सफाई की जाएगी, और इसके अलावा जो है उनके प्रसंगों के बारे में जो कृष्ण जी से जुड़े प्रसंग है उनके बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम जो है वो भी आयोजित की जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जो कृष्ण जी से जुड़े हुए जो मंदिर हैं या फिर जहां उनके प्रसंग हैं, जैसे बात करें हम उज्जैन की हो या धार की हो या फिर देवास हो या राजधानी भोपाल हो, यहां पर भी जो है अलग अलग जो कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं स्कूलों में भी इस बार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जन्माष्टमी पे सबसे विशेष अगर आयोजन होता है तो मटकी फोड़ का, तो उसको लेके भी जो है मोहन यादव ने कई निर्देश दिए हैं। राजधानी भोपाल सहित जो है पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन इस साल जो उत्साह है बिल्कुल अलग तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल जो है जन्माष्टमी की तो छुट्टी दी जाती थी, इस बार भी छुट्टी है, लेकिन सीएम मोहन यादव ने निर्देश दिए कि इस साल से जो है सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में जो है निजी संस्थान की बात करें या फिर सरकारी में उधर पे हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। जी, तो निजी स्कूल हो या सरकारी स्कूल कॉलेज हो, सभी जगह इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजधानी भोपाल से हमारे साथ अंजलि जुड़ी हुई थी, और आपको बता दें अब मंदिरों के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस में भी जन्माष्टमी का उत्सव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा।